स्वामी प्रसाद मौर्य पर मायावती ने किया पलटवार। वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। चुनाव से पहले मायावती ने दिखाया दम। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आज अपना 66वां जन्मदिन मनाया। लखनऊ में पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने चाहने वालों का शुक्रिया अदा करते हुए यूपी चुनाव को जीतने की हुंकार भी भरी। मायावती ने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य पर भी हमला बोला। उन्होंने मौर्य के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया। मौर्य ने सपा ज्वाइन करने के बाद कहा था कि जब से उन्होंने मायावती का साथ छोड़ा है वो सत्ता से बाहर हैं। जिसका मैं साथ छोड़ता हूँ उसका कहीं यता पता नहीं रहता है। हमारी बहन जी जिंदा, इसका जिंदा मिसाल है। जब तक साथ था बार बार मुख्यमंत्री बनती थी, उनको घमंड हो गया था, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बाबा साहब के मिशन से हट गई, मानवर कांशीराम को भूल गई, मानवर कांशीराम के सामाजिक परिवर्तन आंदोलन को डुबोने का काम करने लगी। मानवर कांशीराम जी के आंख मूंदते ही मानवर कांशीराम जी का नारा बदल दिया था। जो मानवर कांशीराम जी ने नारा दिया था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। बहन मायावती जी, मानवर कांशीराम के इस नारे को बदलकर दूसरा नारा इजाद किया कि जिसकी जितनी तैयारी उसकी उतनी भागीदारी, का मतलब थैली वालों के पीछे खड़ी हो गई। मैंने विरोध किया, नहीं मानी, साथ छोड़ दिया। आज कहीं अता पता दिखाई नहीं पड़ता उनका। देखो, वो मुझे क्या मुख्यमंत्री बनाएगा, बीएसपी में आने के बाद उसकी किस्मत खुली है। पहले वो बहुत पार्टियों में रहा, वो कभी चुनाव नहीं जीता। आप इतिहास उठाकर देख लो उसका राजनीति। बहुत सी पार्टियों में रहा, जनता दल में रहा, लोक दल में रहा, किसी भी पार्टी में वो चुनाव नहीं जीता। जब वो बीएसपी में आया तो पहली बार उसकी किस्मत खुली और वो एमएलए बना। तो ये जो हवा हवाई बातें हैं, तो वो बेकार है। आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये जरूर जिस भी पार्टी में जाता, अभी जैसे बीजेपी वाले उसको ढोके चलते रहे 5 साल तक, उसको समझाते रहे भाई हमें सर्व समाज को लेके चलना है, तो लेकिन वो नहीं माना। देखो उसकी लैंग्वेज आप लोगों को मालूम है, उनकी लैंग्वेज किस किस्म की है। जबकि आप लोगों को, जब हम अम्बेडकरवाद की बात करते हैं, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो सोच है उसको समझना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर किसी भी जाति और धर्म के खिलाफ नहीं थे, वो जातिवादी व्यवस्था के खिलाफ थे। इस देश में जो गैर बराबरी वाली सामाजिक व्यवस्था बनी है उसको बदलकर वो समतामूलक समाज व्यवस्था बनाना चाहते थे। मायावती ने पहले चरण के 58 सीटों में से 53 सीटों पर उम्मीदवार भी घोषित कर दिए। वैसे आप लोगों को ये मालूम ही है कि उत्तर प्रदेश में यूपी विधानसभा के आम चुनाव 7 चरणों में हो रहे हैं और पहले चरण में 58 विधानसभा की सीटों पर विधानसभा का आम चुनाव हो रहा है और बीएसपी ने पहले चरण की जो 58 विधानसभा की सीटें हैं, तो उनमें से 53 विधानसभा की सीटों पर कैंडिडेट फाइनल कर दिए हैं। तो आज मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पर तो बीएसपी की जो उम्मीदवारों की सूची है, तो उसको मैं पहले चरण की सूची आज मैं जारी कर रही हूँ। 58 में से 53 विधानसभा की सीटों पर जो ये सूची, ये मैं आज जारी कर रही हूँ और इसकी कॉपी आप लोगों को मेरे प्रेस के बाद खत्म होने के बाद इसकी एक प्रति आप लोगों को दे दी जाएगी।
मायावती ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया, क्योंकि जिस समाजवादी पार्टी ने दलितों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति को लेकर लाए गए विधेयक को राज्यसभा में फाड़ कर फेंक दिया था और इस विधेयक को पास नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी लटका पड़ा है, तो ये भी इनको जानना चाहिए। तो ये कैसे दलित हितैषी पार्टी हो सकती है? दुख इस बात का है कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने, मेरी सरकार ने, इस भदोही के नाम से जो नया जिला बना, इसका नाम संत गुरु रविदास जी के नाम से रखा, लेकिन ये इतना दलित हितैषी है, इतना आदर सम्मान करता है कि सत्ता में आते ही उसने रविदास जी का जो नाम रखा था भदोही का, उसको बदल दिया। आप समझ सकते हैं, चंद्रशेखर आजाद और अखिलेश के बीच गठबंधन ना होने के सवाल पर बहन जी ने कह दिया कि ये सवाल तो आप उन्हीं से पूछिए। इस मौके पर मायावती ने अपने जीवन संघर्ष पर आधारित ब्लू बुक को भी लॉन्च किया। मायावती ने ऐलान किया कि वो इस बार भी विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी। बीएसपी इस बार अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ वीक।